प्रधान जी कल का क्या प्रोग्राम रहेगा? कल हमारा प्रोग्राम है खटखट टोल पर, कल खटखट टोल पर हम धरना जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम टोल को भी बंद कराएंगे। अगर शासन प्रशासन ने कुछ इस तरह की वो करना चाहा तो मतलब लाठी चार्ज अगर आप टोल फ्री करोगे? लाठी हमारे वैसे भी लग रही है, हम लाठी खाने के लिए भी तैयार रहेंगे। जनता मारने का काम करा है सरकार ने, अगर लठ मारे तो हम लठ भी खाने के लिए तैयार है, लेकिन शांति प्रिय हमारा धरना रहेगा। हम प्रशासन से टकराव नहीं चाहते, अगर जरूरत पड़ी तो पर पीछे भी नहीं हटाएंगे। ऐसी क्या नौबत आएगी जी आप टोल बंद करने के लिए उतारू हो गए? 7 लाख रुपये जुर्माना और 10 साल की सजा कौन भुगता है भाई साहब? ड्राइवर आप भी हो, ड्राइवर सारे हैं, कोई किसी को मार के राजी नहीं है, लेकिन कई बार मजबूरी में हादसा हो जाए, अगर ड्राइवर उसको बचाने के चक्कर में रहेगा तो पब्लिक मार देगी, उसकी कौन गारंटी लेगा भाई हम ड्राइवर को बचा देंगे? पहले इस बिल में संशोधन करो, ड्राइवर की सुरक्षा करो। हम इस बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है। सीधा उनकी हमारे किसी पदाधिकारी किसी हमारे ड्राइवरों के प्रधानों से किसी से वो नहीं करा, सारे सांसद बाहर निकाल दिया, बिल पास कर दिया। ऐसे बिल पास को हम न मंजूर नहीं है। हम तो कल न टोल धरना जाएंगे और लंबा हमारा धरना चलेगा, जरूरत पड़ी तो हम टोल को भी कई बार देखे जा शराब भी है एकदम आके मैं मारा है तो ना दूसरा ने पड़ा है। हाँ सारा देश जब वो देखो कोई शराबी आ गया और लोड की बड़ी गाड़ी है, एकदम कोई भी गाड़ी हो नहीं रुक सकती, ये सबने पता है, लेकिन कोई भी ड्राइवर अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी आ जाए उसको भी बचाने की कोशिश करता है, हादसा उसको बचाने के चक्कर में हादसा हो जाता है, लेकिन वो कुत्ता बिल्ली को भी नहीं मारता और आदमी को तो मारेगा क्यों? मरने वाले भी तो मारे हैं, अगर गलती से किसी पे वो हो जाता वो भी तो मारे है। ड्राइवर किसी को मार के राजी नहीं है जी, ड्राइवर तो सारे हैं जी, ड्राइवर सारे हैं जी, बिल्कुल बाइक भी चला गाड़ी भी चला, लेकिन सब कानून लागू है, लेकिन ट्रक ड्राइवर क्यों आ रहे हैं और क्यों नहीं आए अभी तक? ये तो सारे ड्राइवर, ये तो सबने उठना चाहिए। अब ये सारे यूनियन वाले आ रहे हैं, मैं टैक्सी यूनियन का प्रधान हूँ, सारे टेम्पू वाले भी आ रहे हैं सारे, लेकिन ये मेरे ऊपर लागू नहीं है, ये सबके ऊपर लागू है, आपके ऊपर भी लागू है ये। आप भी साधन से आए हो, आप नहीं चला रहे तो आपका ड्राइवर चला रहा है। बिल्कुल मतलब यूनियन आई है, यूनियन आ रही है, सारी यूनियन हमारे साथ में है। दिखा दो और एक और आज मारे राम राम जी, सभी को हाथ जोड़ के कोटि कोटि नमन प्रणाम करता हूँ, और जितने भी ड्राइवर भाई आपको चैनल को देखते हैं उनको दिल से सलूट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और कल हमारा अनिश्चित काल के लिए धरना रहेगा खटखट टोल पे, हमारी ऑल ओवर इंडिया की, ऑल ओवर हरियाणा की यूनियन जितने भी हैं सभी ने मतलब धरना जारी कर दिया है, कल ट्रक यूनियन से, टेम्पो यूनियन से, टैक्सी यूनियन से, और भाई ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का ये परिवार सब खटखट टोल पे धरना जारी रखेगा, अनिश्चित काल के लिए धरना जारी रखेगा, जब तक सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेंदी, जब तक ड्राइवरों की मांग हमारे को नहीं देंदी। अरे 22 करोड़ चालक इस देश में आज तक सरकार ने दिया क्या है? या तो चलान दिया है, या लाठी डंडे दिए हैं, या इनको प्रताड़ित करने का काम किया है, चाहे वो मोटर मालिक को मारने का काम हो, चाहे वो ड्राइवर को मारने का काम किया हो, वो सरकार कर रही है। तो भाई ये जितनी भी आज ये रोष प्रदर्शन दिख रहा है ये सरकार के खिलाफ है, ये मोदी सरकार कहीं ना कहीं चाह रही थी ऐसा उपद्रव ऐसा विवाद हो और इनको कहीं ना कहीं पॉइंट मिले, और ये इसके अंदर बहुत बड़ी राजनीति है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ 29 मांगों को देते हुए हर राज्य में, हर जिले में, हर डीसी साहब को ज्ञापन सौंपता आ रहा है, हमारी मांगों पर फोकस करो, हमारी मांगों पर फोकस करो, लेकिन सरकार कहीं नहीं मतलब इनका वो दिखाने का काम किया, तो इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा लगाया ये काला कानून लागू करके। अब आएंगे हमारे पीएम मोदी जी और बोलेंगे भाई और बहनों कुछ लोगों को ये कानून समझ में नहीं आया, हम वापस लेते हैं। ऐसा ही हमारे किसान साथियों के साथ भी किया, कुछ किसानों को समझ में नहीं आया, तो यही मुद्दा इसका है, ये राजनीति बिल्कुल इनकी खत्म है और आने वाला टाइम में ड्राइवर समाज इनको उखाड़ फेंकेगा। खटखट टोल की घटना, खटखट टोल यूं चुना, ये इंडिया के अंदर खटखट टोल का जो रुका है पूरी इंडिया के अंदर खटखट टोल का नाम है, और आज ड्राइवर समाज भी, सारथी समाज भी वहीं का आगाज किया है, वहीं पे हमारा धरना होगा।
ये काला कानून नहीं जो हमारे साथ है।